नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो सब याद रखना है आपको। मार्केट में जब जाइएगा ना रेजिस्टेंस खरीदने, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस होता है, टीवी फ्रिज सब में रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस खरीद भी सकते हैं टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो किसी सर्किट में आपको करंट को कंट्रोल करना है तो आप खुद से रेजिस्टेंस लाके खरीद के मार्केट से लगा देते हैं। यदि आप किसी भी मदरबोर्ड या सर्किट को ओपन करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे गोल टाइप के रहते हैं रेजिस्टेंस, छोटे छोटे इस टाइप के रहते हैं, इसमें इधर से और इधर से दो वायर निकला रहता है और इसमें कुछ कुछ कलर बना हुआ होता है, इस तरह से येलो, जैसे ब्लू, रेड, पर्पल, कुछ कुछ कलर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप कहीं भी सर्किट ओपन करके देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेंगे एकदम छोटे छोटे से, टाइनी टाइनी से, और उसपे अलग अलग कलर बने हुए होंगे। मदरबोर्ड और एनी सर्किट, खिलौना विलौना कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सर्किट होगा उसमें ओपन कीजिएगा, दे विल हैव अ रेजिस्टेंस टू कंट्रोल करंट। सो ये जो कलर्स इस पे वायर पे बने रहते हैं, इसे देख के हम इसका रेजिस्टेंस बता देते हैं कितना रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। किसी 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 रेजिस्टेंस पे तीन चार लाइन बने होते, किसी पे पांच लाइन बने होते, किसी पे छह लाइन भी बने होते। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो सिद्धार्थ, लेट्स से दिस इज वन लाइन, दिस इज टू लाइन, दिस इज थ्री लाइन, This is four line, और एक लाइन थोड़ा दूर पे रहता है, बाकी सब तीन चार लाइन एक साथ रहते हैं, एक लाइन थोड़ा दूर पे रहता है। So, क्या सब होता है ये समझ लीजिए। तो ये जो पहला लाइन कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। दूसरा लाइन जो होता है ये कहलाता है सेकेंड नंबर, तीसरा लाइन जो होता है वो कहलाता है मल्टीप्लायर, और एक लाइन जो थोड़े दूर पे सेपरेटेड अकेला रहता है दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस और एरर टर्म, कि कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा तो ये खराब नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। पांच होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ठीक है। तो डिजिट हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, डिजिट लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, आखिरी वाला हमेशा मल्टीप्लायर रहेगा। तो यदि चार है तो जो दूर बैठा हुआ है वो हमेशा टॉलरेंस रहेगा, तीन एक साथ आ गए, तीन में जो आखिरी वाला है दैट इज मल्टीप्लायर, और पहले दो जो होंगे फर्स्ट सेकेंड डिजिट। यदि यहाँ पे तीन, यहाँ पे यदि चार बैठे हैं तो वन टू थ्री डिजिट इन टाइम मल्टीप्लायर, यहाँ पे चार बैठे होंगे, पांच बैठे होंगे तो फर्स्ट सेकेंड थ्री फोर्थ डिजिट एंड मल्टीप्लायर। अब दिस इज कॉल्ड एज कलर कोडिंग। अब ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल एग्जाम में आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। इसका निमोनिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल ओएफ, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। तो बी बी आर ओ वाई तीनों कैप्स में है, फिर जी आ गया ग्रीन, फिर ब्रिटेन में ब्लू आ गया, फिर बी वायलेट आ गया, जी फिर से ग्रे आ गया, डब्ल्यू वाइट आ गया, और लास्ट में कहना है गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर, खुद से याद, ठीक है। और नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 डिजिट, इन्होंने जो मैं लिख रहा हूं वही टॉलरेंस, आपको ये याद रखना, ठीक है। ये स्ट्रिप बी को काट कट कर देते हैं, लेट्स से कि एक हमारे पास रजिस्टर है,
एक रेड है, एक पर्पल या वायलेट कह लीजिए है, एक ब्लू है, और रेड से इसे गोल्डन नाम दे देते हैं, ये गोल्डन है, ठीक है, नॉट येलो बट गोल्डन, लिख देता हूं। तो सिद्धार्थ पहला क्या है, रेड, रेड कहाँ गया, रेड ये टू, तो हम लिख देंगे टू। फिर दूसरा वाला भी डिजिट है, पर्पल या वायलेट कह लीजिए, तो वायलेट यहाँ पे है सेवन, तो इसके बाद सेवन लिख देंगे। तीसरा वाला ब्लू है, ब्लू मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर, वेरी गुड, तो हम यहाँ पे आएंगे, मल्टीप्लायर कितना है 10 to the power 6 है, तो ये बहुत इजी है, देख रहे हैं यहाँ 0, 1, 2 और ये बस 10 to the power 0, 1, 2, 3 है, तो ये हो जाएगा into 10 to the power 6। उसके बाद गोल्डन है, गोल्ड ±5% ±5%, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दिस मच ओम्स, ठीक है, कि 27 into 10 to the power 6 प्लस माइनस फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ऊपर नीचे कितना फ्लक्चुएट हो सकता है वैल्यू,